हे फ्रेंड व्हाट्सअप मरहबा दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे मे शब्द का इस्तेमाल। अरबी में हम मे शब्द का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे और समझेंगे। एग्जांपल, जैसे हम लोग बोलते हैं मैं मरकज़ में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, गाड़ी रास्ते में है। इन सब शब्दों को हम अरबी में किस तरह बोल सकते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मे शब्द को अरबी में हम क्या बोलते हैं ये समझ लेते हैं। मे शब्द को अरबी में बोलते हैं फी 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 का मतलब होता है मैं। और अब आगे सेंटेंस बनाते हैं इसके। दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हम इन वीडियो में स्पोकन अरबी सीख रहे हैं, और अगर कोई भाई एकदम करेक्ट अरबी सीखना चाहता है, जो मैं अरबी में लिख रहा हूँ वो एकदम करेक्ट शब्द है, लेकिन मैं जो हिंदी में और इंग्लिश में लिख रहा हूँ वो मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ, तो कुछ भाई अगर जो अरबी जानते हैं वो कन्फ्यूज़ ना हो कि अरबी में कुछ और लिखा है, हिंदी और इंग्लिश में कुछ और लिखा है। वो हिंदी इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम स्पोकन अरबी बोल रहे हैं, शॉर्ट तरीका मैं बोलना सिखा रहा हूँ, तो कन्फ्यूज़ ना हो, जो अरबी जानता है वो समझ जाएगा। मैनेजर ऑफिस में है, अरबी में आप बोल सकते हैं अल मुदीर फी मकतब, अल मुदीर फी मकतब, अल मुदीर फी मकतब। मुदीर मतलब होता है मैनेजर, फी मतलब में, मकतब मतलब ऑफिस। अल मुदीर फी मकतब, अल हटा सकते हैं आप, मुदीर बोल सकते हैं आप खाली, मुदीर फी मकतब इस तरह भी बोल सकते हैं आप। गाड़ी रास्ते में या गाड़ी रोड पे है, अरबी में आप बोल सकते हैं। जैसे हम बोल देते हैं ना गाड़ी रास्ते में है, किसी को फ़ोन आ जाता है, तो आप अरबी में आप बोल सकते हैं सयारा फी तरीक, सयारा फी तरीक, सयारा फी तरीक। सयारा मतलब गाड़ी होता है, फी मतलब में, तरीक मतलब रोड रास्ता, तरीक बोल सकते हैं हम उसको। सयारा फी तरीक, गाड़ी रास्ते में है। चाबी दरवाजे में है, क्या दरवाजे में चाबी है, अरबी में आप बोल सकते हैं मिफ्ता फी बाब, मिफ्ता फी बाब, मिफ्ता फी बाब। मिफ्ता मतलब चाबी होता है, फी मतलब में, बाब मतलब दरवाज़ा। चाबी दरवाजे में है, अरबी में आप बोल सकते हैं मिफ्ता फी बाब। मैं ऑफिस में हूँ, अरबी में आप बोल सकते हैं अना फी मकतब, अना फी मकतब, अना फी मकतब। मैं मतलब आई वाला जो मैं होता है उसको अना बोलते हैं हम, और इन वाला जो होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ, उसको बोलते हैं फी। मैं ऑफिस में हूँ, अरबी में आप बोल सकते हैं अना फी मकतब, अना फी मकतब। अना का मतलब तो लगभग सब लोग जानते ही हैं, अना मतलब मैं होता है, फी जो बोल रहा हूँ मैं, फी मतलब मैं, अना फी मकतब। चाबी गाड़ी में है, अरबी में आप बोल सकते हैं मिफ्ता फी सयारा, मिफ्ता फी सयारा, मिफ्ता फी सयारा। मिफ्ता मतलब जैसे पहले बताया था मैंने चाबी, फी मतलब मैं, सयारा मतलब गाड़ी। चाबी गाड़ी में है, मिफ्ता फी सयारा बोल सकते हैं आप। इमाम साहब मस्जिद में है, या इमाम मस्जिद में है, अरबी में आप बोल सकते हैं इमाम फी मस्जिद, इमाम फी मस्जिद, इमाम फी मस्जिद। मस्जिद शब्द तो जानते ही हैं, उर्दू का लफ्ज़ है, इमाम भी जानते हैं, बस इसमें फ़ी जोड़ दिया है हमने ताकि इन दो सेंटेंस को मिला के एक हम जुमला बना सकें, इमाम फी मस्जिद। और ये जो अरबी में लिखा है, अगर आपको अरबी में बोलना है, जो करेक्ट शब्द है अरबी का, ये हम जो सीख रहे हैं ये स्पोकिंग अरबी है, शॉर्ट तरीका है। ऊपर जो लिखा है अरबी में, ये लिखा है अल इमाम फिल मस्जिद, अल इमाम फिल मस्जिद। ये अल वल के चक्कर में आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है, इमाम फी मस्जिद बोल सकते हैं आप। मैं गाड़ी में हूँ, अक्सर कभी कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, हम लोग गाड़ी में होते हैं, तब आप अरबी में बोल सकते हैं अना फी सयारा, अना फी सयारा, अना फी सयारा, मैं गाड़ी में हूँ। दोस्तों, खाली मैं ये आपको हिंट दे रहा हूँ मैं शब्द का, मैं शब्द का आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप ये शब्द बोलें। आप जिस परिस्थिति में हो उस हिसाब से, मौके के हिसाब से बोल सकते हैं, जैसे कि आप बाथरूम में हैं तब आप बोल सकते हैं अना फी हम्माम, और अगर आप मार्केट में तब आप बोल सकते हैं अनाफी सूक। तो मैं शब्द का इस्तेमाल करना बता रहा हूँ मैं आपको, मैं गाड़ी में हूँ, अनाफी सयारा।
छात्र स्कूल में, स्टूडेंट स्कूल में है, अरबी में आप बोल सकते हैं तालिब फी मदरसा, तालिब फी मदरसा, तालिब फी मदरसा। तालिब मतलब छात्र को, स्टूडेंट को तालिब बोलते हैं, मदरसा मतलब स्कूल को ये लोग मदरसा बोलते हैं, फ़ी मतलब में, तालिब फी मदरसा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही बोलें, आप ये भी बोल सकते हैं कि टीचर स्कूल में है, बच्चा स्कूल में है, किसी भी तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना है टीचर स्कूल में, तब आप बोल सकते हैं मदरस फी मदरसा, बच्चा स्कूल में, तब आप बोल सकते हैं टिफ फी मदरसा। मेन पर्पस जो है हमारा मैं शब्द को इस्तेमाल करना है, मैं शब्द को आप दिमाग में रट लिए, सेंटेंस बना बना के जब दो तीन बार बोलेंगे आप यही सेंटेंस, अगर आपने रिपीट किए तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, बैठ जाएगा दिमाग में आपके। फातिमा किचन में है, फातिमा की जगह आप किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं, अगर आपको बोलना है कोई किचन में है तब आप अरबी में बोल सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, फातिमा किचन में है, अरबी में आप बोल सकते हैं फातिमा फी मतबख, फातिमा फी मतबख, फातिमा फी मतबख। मतबख का मतलब होता है किचन। टीचर रूम में है, अरबी में आप बोल सकते हैं मुदर्रिस फी गुरफा, मुदर्रिस फी गुरफा, मुदर्रिस फी गुरफा। मुअल्लिम भी बोलते हैं टीचर को मुदर्रिस फी गुरफा। रूम को आप हुजरा भी बोल सकते हैं, गुरफा और हुजरा दोनों ही रूम के लिए इस्तेमाल में आता है, गुरफा ज़्यादा चलता है लेकिन हुजरा भी बोलते हैं रूम को। टीचर रूम में है, अरबी में आप बोल सकते हैं मुदर्रिस फी गुरफा, मुदर्रिस फी गुरफा, टीचर रूम में है। टीचर की जगह आप किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं, हामिद रूम में है, अली रूम में है, मोहम्मद रूम में है, तब आप किसी का भी नाम जोड़ के आप बोल सकते हैं मोहम्मद फी गुरफा, अली फी गुरफा, हामिद फी गुरफा। एग्जांपल है ये। मैं मार्केट में हूँ, अरबी में आप बोल सकते हैं अना फी सूक, अना फी सूक, अना फी सूक। अना मतलब मैं, फी मतलब हूँ, इनके लिए आता है, सूक मतलब मार्केट, मैं मार्केट में हूँ अना फी सूक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैं घर पे हूँ आप बता सकते हैं अना फी बेत, मैं बाहर हूँ अना फी बर्रा, मैं रूम में हूँ अना फी गुरफा। मैं छुट्टी में हूँ या मैं छुट्टी पर हूँ, अरबी में आप बोल सकते हैं अना फी इजाज़ा, अना फी इजाज़ा, अना फी इजाज़ा। इजाज़ा मतलब छुट्टी होती है, अना फी इजाज़ा। मैं छुट्टी में हूँ या मैं छुट्टी पर हूँ, अना फी इजाज़ा बोल सकते हैं आप। ठीक इसी तरह आप बोल सकते हैं मैं पार्क में हूँ अना फी हदीका, अना फी हदीका, अना फी हदीका। हदीका मतलब होता है पार्क। मैं शब्द का इस्तेमाल करके आप कई तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, अना फी हदीका, मैं पार्क में हूँ। और आप बोल सकते हैं हामिद मस्जिद में है, अरबी में आप बोल सकते हैं हामिद फी मस्जिद, हामिद फी मस्जिद, हामिद फी मस्जिद। इसी तरीके से आप कई तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, हामिद रूम में है, हामिद फी गुरफा, हामिद स्कूल में, हामिद फी मदरसा, हामिद मार्केट में, हामिद फी सूक, बाथरूम में, हामिद फी हम्माम। मैं शब्द का इस्तेमाल आप फी शब्द के इस्तेमाल से कर सकते हैं, हामिद छुट्टी पे है, हामिद फी ज़्यादा। इसी तरीके से आप कई तरीके सेंटेंस बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो YouTube में लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। स्क्रीन पर दिख रही इन दो वीडियो को देख के आप और कुछ नया सीख सकते हैं। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू, मा सलामा।